Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, hi, my name is Nidhi Chetri and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये हेयर रिलेटेड वीडियो है. तो मैंने ये लास्ट ईयर करवाया था, फेब के आसपास करवाया था और इट्स ऑलमोस्ट वन ईयर. मैंने बस आई गेस अक्टूबर में हाईलाइट्स करवाया और उसके बाद मुझे ये केराटिन करवाना ही था क्योंकि उससे बाल ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और अभी बहुत ज़्यादा ड्राई है. आप लोग देख सकते हैं ये हाईलाइट कलरिंग, उसके वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया बाल. मैं ऑयलिंग तो करती हूँ फिर भी वो इतना नहीं कर पाती जितना सैलून में होता है. तो मैं अभी सोची कि शादी भी आ रहा है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ऊपर से 2-3 शादियाँ भी है और उससे भी ज़्यादा अच्छा बात है कि हेयर एंड शांति में अभी केराटिन में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है. सो हेयर एंड शांति का कोई भी ब्रांच में, अगर आप नेपाल में हैं तो नक्सा, थमेल, जावला खेल सब ब्रांच में आपको केराटिन में ऑफ मिल रहा है. और अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी बहुत सारा जगह है, साउथ एक्स, द्वारिका, बहुत सारा जगह में हेयर एंड शांति में बहुत डिस्काउंट चल रहा है. तो मैं सोची इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है. शादियाँ भी आ रही है, मैं ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ और मेरा बाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं जब हाईलाइट की ना तभी मैं वो लोग को बोली थी कि मैं केराटिन थोड़ा टाइम बाद कराऊंगी तो एक शेड आप डार्क रखिएगा. केराटिन करवा रही हूँ तो वो एक शेड लाइट हो ही जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क साइड में अपना कलर करवाया था, हाईलाइट्स करवाया था. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेयर एंड शांति थमेल का छाया सेंटर में, जो है आप बहुत बार देख चुके हैं, वो मेरा फेवरेट सैलून हो चुका है. अभी भाटभटिनी में नक्साल में भी खुल गया है हेयर एंड शांति, पर मैं थमेल ही जाती हूँ क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है दे आर लाइक अ फैमिली. वो मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है हम लोग का, बहुत टाइम से जानते हैं. तो मैं बाकी जगह मतलब आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल, सो मैं जाती हूँ हेयर एंड शांति थंबनेल का छाया सेंटर वाला. तो चलो, हम लोग का 1 बजे का अपॉइंटमेंट है और अभी बज चुका है 12:16, तो हम लोग अभी जाएंगे. तो आपको मैं थंबनेल में मिलती हूँ. चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहुँच गए हम छाया सेंटर. हेलो, टाइम में है, चलिए ऊपर चलते, उसके बाद हम लोग का बाहर थोड़ा ठीक करवाते हैं. और यहाँ है हिमालयन जावा, जिसका पिक्चर आप शायद इंस्टाग्राम में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम. ये रहा मेरा इंस्टाग्राम. तो सबसे पहले एंटर करने के बाद आप पहले अपना केराटिन चूज़ करते हो, उसके बाद आपको हेड वॉश किया जाता है. तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप हेड वॉश करके आओ, जब भी कोई भी बाल का ट्रीटमेंट करने जाओ तो इतना ज़रूरी नहीं रहता है क्योंकि वहीं पे हेड वॉश होता है. तो सबसे पहले वहाँ पे हेड वॉश हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट लगा के थोड़ा देर रख देंगे, उसके बाद आप मेरा बाल का हालत आप देखेंगे. सो ये रहा बिफोर, क्योंकि देखिए मेरा हाल कितना बुरा था मेरा बाल का, मतलब गीले बाल में ना कंघी भी नहीं हो रहा था, तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब था. सो दिस इज़ द बिफोर. लास्ट में आपको बिफोर एंड आफ्टर भी देखने मिलेगा. सो उसके बाद यहाँ पे मेरा हेयर ड्राई हो रहा है, ये दोनों मतलब ड्राई कर रहे हैं ड्रायर से दोनों एक साथ ही, और बहुत मुश्किल से कॉम किया गया था. उसके बाद यहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम लगा के 45 मिनट्स रखना पड़ता है. तो अभी वही ट्रीटमेंट क्रीम लग रहा है, पार्ट पार्ट करके पूरा बाल में अच्छे से लगता है. Mm-hmm.
तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं 45 मिनट्स, तब तक मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। मिनट है, थोड़ा सा जल रहा है, इसका मतलब कि वो काम कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लगाया होता है ना, उसको बाल में लॉक करने के लिए यहाँ पे ब्लो ड्राई हो रहा है, वो उसी को मतलब ड्राई किया जाता है जो ट्रीटमेंट है। सो ये है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पार्ट। आप अभी मैं जूम कर रही हूँ, आप देखिए कितना धुआं उठता है बाल से। तो इससे आपका मतलब जितना भी ड्राइनेस रफनेस है वो पूरा निकल जाता है, सीरियसली निकल जाता है। तो ये पूरा बाल में होगा और इससे आँख में थोड़ा सा जलन होता है। तो आपको आप देख सकते हैं मैंने अपना मास्क आँख में लगा लिया और नाक के अंदर मुंह के अंदर भी थोड़ा सा जाता है, इसका थोड़ा सा जाता ही है, देख लिया है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही जल रहा था। पानी पी के कर कुछ पाने के लिए सहना तो पड़ता है। और तो उसके बाद मुझे वहाँ पे एक भाई ने मतलब आँख कवर करने के लिए तावल दिया। तो ऐसे हम लोग ने मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद आपको वो बाल में लॉक करने के लिए जो केराटिन लगाए थे उसको लॉक करने के लिए आयरनिंग किया जाता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मस्ती कर रहे हैं, पीछे निक्की दीदी आ गई और हाय तो हम लोग बहुत सारा बात कर रहे थे, लाइक एडिटिंग कैसे किया जाता है। सबको मैं थोड़ा थोड़ा टिप दे रही थी कि एडिटिंग में ऐसा होता है ऐसा होता है, ये ऐप से करना चाहिए। तो वही सब बात करके हम लोग का टाइम कब निकल गया हमको पता ही नहीं चला। तो फाइनली आप देख सकते हैं आज के लिए यही है, मतलब बाल अच्छे से ट्रीटमेंट क्रीम लग चुका है। अब हम लोग घर जाएंगे और परसों आएंगे, और मेरा हो गया है और परसों आना है, और उसके बाद मेरा वॉश होगा। अभी तो मतलब मैं बाल पीछे नहीं कर सकती, कान के पीछे फोल्ड हो जाएगा। और मैंने लिया है शैम्पू और कंडीशनर यहीं से, और सीरम तो मेरे पास था ही, इसलिए अब हम लोग जाएंगे घर। तो ये है छाया सेंटर, तो अभी हम लोग मिलेंगे सीधा परसों। तुम चलो मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया है लोरियल प्रोफेशनल का ये इंटेंस केयर, जो सल्फेट और पैराबिन फ्री है और स्पेशली केराटिन हेयर के लिए है। ये है शैम्पू और ये है कंडीशनर, आप हेयर मास्क भी बोल सकते हैं इसको। तो आपको वीक में दो बार ही यूज़ करना है। तो आप अगर केराटिन कर रहे हो तो यही शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल शैम्पू से नहीं होगा। गाइस एंड वेलकम टू द थर्ड डे, और मैं छाया सेंटर में आ चुकी हूँ जहाँ पे वीडियो लास्ट टाइम एंड किया था, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर हेयर एंड जानती, उसके बाद हम लोग वॉश कराएंगे, उसके बाद मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाती हूँ कि केराटिन से आपका बाल कैसा हो जाता है। और ये एलिवेटर नहीं चल रहा है तो मैं चढ़ रही हूँ, तो इसलिए हाफ रही हूँ मैं। चलिए चलिए वॉश कराने। वॉश करा। तो सबसे पहले आते ही आपका बाल ब्रश किया जाता है बहुत अच्छे से, ताकि कोई टैंगल ना रहे बाल में। उसके बाद जो लास्ट टाइम हम लोग ने ट्रीटमेंट क्रीम लगाया था दो दिन पहले, थर्ड डे है आज, तो दो दिन पहले जो लगाया था उसको लॉक किया जाता है अच्छे से। उसके बाद हम लोग का हेड वॉश होता है, लाइक पहले शैम्पू से होता है, उसके बाद मास्क लगता है हेयर मास्क और कंडीशनर, उसको लगा के उसके बाद हम लोग का ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स बाल को छोड़ा जाता है। तो अच्छे से पहले हेयर मास्क लगाते हैं, अभी छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। तो अभी हम लोग का बाल वॉश करके आ चुके हैं, अब हम लोग करेंगे हेयर ड्राई। आप पहले देख सकते थे कि मेरा गीला बाल में इतना ज़्यादा टैंगल होता था, बाल कंघी नहीं हो रहा था। तो अभी इतना अच्छे से गीला बाल में भी कंघी हो रहा है,
तो अभी ड्राई होगा बाल अच्छे से पूरा अंदर तक। सो ये रहा हम लोग का एंड रिजल्ट। सो आप देख सकते हैं मेरा बाल इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, फ्रीज फ्री, टैंगल फ्री स्पेशली। तो इसके बाद हम लोग ने बहुत सारा फोटोज़ वीडियोस रील खींचा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। मेरा बाल आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, लाइक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको मैंने अंदर भी दिखाया। सो येस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉय इट। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। मुझे बहुत जन ने पूछा, लाइक मैंने लास्ट टाइम केराटिन करवाया था मेरे पर, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सो येस, ये है केराटिन का फुल वीडियो। तो अगर आप लोग का बाल भी डैमेज, फ्रीजी या अनइवन है तो आप ये केराटिन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लाइक वेर एवर यू आर, वहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक्स टू हेरन शांति थमिल, सब स्टाफ को थैंक यू सो मच, दे आर सो फ्रेंडली टू मी और बहुत अच्छा लगता है हर टाइम यहाँ पे आके। तो यहाँ पे लाइक मेरा मम्मी नानी सबको याद है, तो लाइक दे आर लाइक फैमिली, तो आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल हियर। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आप लोग के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।